गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मिनरल्स। एज वी नो, मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन रॉक्स। जैसे कि हम सबको पता है कि मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। वो बनाए नहीं जाते, कि मैन मेड चीज़ नहीं है कि इसमें से बना लिया उसमें से बना लिया, नहीं। इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमें रॉक्स में से मिलते हैं। जो रॉक्स होते हैं, एज यू नो कि दो रॉक्स भी नेचुरल हैं, तो रॉक्स के अंदर से आपको मिनरल्स मिलते हैं। रॉक्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन टू द मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ अदर मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द रॉक्स। ओके, कोई कोई रॉक्स में थोड़े मिनरल्स होते हैं, कोई कोई में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द रॉक्स। मिनरल्स कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज, नेमली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, मिनरल्स के मेनली दो ग्रुप में मिनरल्स डिवाइड किए गए हैं। एक है मेटालिक मिनरल, एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल। ओके, सो फर्स्ट सी मेटालिक मिनरल्स। लेट्स सी दैट मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में डिफरेंस क्या होता है। आयरन, कैल्शियम, मैग अल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। ये आप अच्छे से याद रख लेना दैट ये सारे जो हैं ये मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आयरन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, दे आर जनरली प्रेजेंट एज रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद अदर मिनरल्स। ये जो सारे मिनरल्स हैं ये रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। द डिजायर मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स कंटेनिंग दैम थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। ओके, रॉक्स में से क्या करते हैं, मिनरल्स निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करके हम लोग रॉक्स में से मिनरल को अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। Ores are extracted from the earth by forming tunnels called mines. Ore को extract कर सकते हैं कि जो tunnels होती हैं, ठीक है। Earth में आपको पता है बहुत सारी tunnels होती हैं, ठीक है। उसमें से tunnels में से ore को extract करने की process को बोलते हैं mines, is called mines. Okay, आप tunnels में से ores को extract करो, minerals को extract करो, तो उसको बोलते हैं mines. For example, a mine of gold is known as gold mine. Okay, example ले लो, gold की mine होती है, gold की खान, ठीक है, सोने की जो खान होती है, ठीक है, उसमें से आपको gold मिलता है, ठीक है, gold mine हुई वो। ऐसे ही different different mines होती हैं जिसमें से आपको different different minerals मिलते हैं। Now, uses of metallic minerals. Iron, aluminium and copper are used for making utensils, coins, wires and machines. Okay, ये सारे जो हैं, iron है, aluminium है, copper है, ये सारे utensils बनाने में काम आते हैं, coins बनाने में, wires में and machines में. Silver, platinum and gold are used for making jewelry. ये तो सबको पता ही है दैट सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। ये हमने देखा मेटालिक मिनरल्स। नाउ लेट्स सी नॉन मेटालिक मिनरल्स। इन एडिशन टू मेटालिक मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, फेल्सपार, मिका एंड सिलिकॉन। हमारे जो टनल्स हैं, ठीक है, उसमें
मेटालिक मिनरल के अलावा लार्ज डिपोजिशन नॉन मेटालिक मिनरल्स का भी किया गया है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, फेल्सपार है, मिका है, सिलिकॉन है। अमॉन्ग दीज मिनरल्स कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एज दे आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड अंडर द अर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। अभी ये जो सारे हमने नॉन मेटालिक मिनरल्स देखे, कोल, पेट्रोलियम, फेल्सपार, मिका एंड सिलिकॉन, इसमें से जो कोल एंड पेट्रोलियम है, ठीक है, इन दोनों को फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। क्यों? ये नॉन मेटालिक मिनरल्स तो हैं ही, बट इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो इसमें से भी बनते हैं, जिस किसमें से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, फिर उनको जो बरीड करते हैं, ठीक है, ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, तो उसमें से क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में से कोल एंड पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, किसमें से बनता है, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स जब बरीड करते हैं अर्थ के नीचे, ठीक है, ज़मीन के नीचे, तभी बहुत साल लगते हैं उस डेड प्लांट्स मटीरियल में से, डेड मटीरियल में से कोल एंड पेट्रोलियम मतलब फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज आपने डेड एनिमल डाला ज़मीन के अंदर और कल तैयार हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में। ओके, सो कोल एंड पेट्रोलियम है, इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा गया है। नाउ वन बाय वन हम लोग देखेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम हम बाद में स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोल। कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट मैटर that was buried under the soil millions of years ago. Okay, as you all know, मैंने अभी ही डिस्कस किया था that coal कैसे बनता है, जो dead plant के जो matter होते हैं वो buried होते हैं under the soil, फिर उसको millions of years लगते हैं तब जाके coal बनता है due to high pressure from the overlying layers, the lower layer changed into coal. ओके, जब बहुत सारा प्रेशर होता है, जो लोअर लेयर होता है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। थिक डिपॉजिट्स ऑफ कोल कैन बी फाउंड इन कोल माइंस लोकेटेड इन धनबाद, नेवियली एंड रानीगढ़ इन इंडिया। ओके, जैसे हमने देखा कि माइंस होती है, माइंस सबकी होती है, जैसे कि गोल्ड माइन हमने देखा, सोने की खान, ठीक है, ऐसे कोल माइंस हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में तीन जगह पे कोल माइंस हैं। ये आप सिटीज़ के नेम याद रखना, धनबाद, नेवेली एंड रानीगढ़, ये तीनों प्लेसेस में कोल माइंस पाई जाती हैं। अभी देखते हैं कोल का यूज़ क्या होता है। ओके, कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, इन ब्लास्ट फर्नेसेस फॉर हीटिंग, इन रेलवे engines टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप देख सकते हो कोल का बहुत सारा काम होता है। एक तो वो फूड कुकिंग करने में एज अ फ्यूल यूज होता है, फिर फर्नेसेस में हीटिंग के लिए यूज होता है, देन रेलवे engines होते हैं उसमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज होता है, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कोल में से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि हम जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं उसमें कोल का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग कुकिंग फूड कर रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इंजन्स हैं, ये सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किसमें से बनती हैं, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, कोल, वो कोल में से बनती हैं, कोल इन सब में यूज़ होता है। So today we end our session here. In next lecture we will proceed further. Thank you all.